इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। वेलकम एवरीवन इन इंडियन एग्रीकोर्स चैनल। इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस सम एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज डेवलप बासमती 1637 फ्रॉम पूसा बासमती 1। पूसा बासमती 1 राइस की वेराइटी है जो ससेप्टेबल है ब्लास्ट डिजीज से। उसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अदर वेराइटी को रिलीज करने के लिए तो ICR के साइंटिस्टों ने एक वेराइटी रिलीज की है, डेवलप की है। वो वेराइटी है बासमती 1637। टोलिस्पोरियम पेनिसिलेरिया इज द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द समर डिजीज इन बाजरा। बाजरा का साइंटिफिक नेम क्या है? पेनिसेटम ग्लूकम। इस डिजीज में क्या होता है कि जो बाजरा का ईयर है, ईयर क्या है, इनफ्लोरेसेंस है, वो ग्रीन कलर का ही रहता है और इसमें जो सीड ग्रेन का जो साइज है वो नॉर्मल से क्या होता है, बिग साइज होता है। टू कंट्रोल दिस फंगल डिजीज हम क्या अप्लाई करते हैं? वीटावैक्स एज ए फंजीसाइड बाई टेकिंग द डोज 1.5 kg पर हेक्टेयर एंड बाई मिक्सिंग इन 1000 लीटर वाटर। कब अप्लाई करेंगे उसको? बूट लीफ स्टेज पे हम उसको अप्लाई करेंगे और आफ्टर 10 डेज हम उसको फिर से एक स्प्रे कर देंगे। बाय दिस मेथड वी कैन कंट्रोल दी समर डिजीज इन बाजरा। नेक्स्ट वन इज दी हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम इज द कोजल ऑर्गेनिज्म इन दी बार्ले स्टिप डिजीज। ये क्या है? बार्ले की डिजीज है तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसको जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ चिकपीस इंडिया। मोस्टली जो पल्सिस क्रॉप है, लेग्यूम क्रॉप है, उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? इंडिया है। नेक्स्ट है दी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? किसका पार्ट है? सीड का पार्ट है। सीड के डिफरेंट पार्ट होते हैं तो उनमें से एक क्या है? एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो के भी सब पार्ट होते हैं, उसमें है रेडिकल, प्लूमूल एंड स्कूटेलम। रेडिकल को बोलते हैं हम सूट रूट, प्लूमूल को बोलते हैं हम सूट, एंड स्कूटेलम किसका काम करता है? पुल का काम करता है बिटवीन दी एम्ब्रियो एंड दी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में जितनी भी न्यूट्रिएंट स्टोर है इन दी ऑर्गेनिक फॉर्म वो वहाँ से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, कहाँ तक आते हैं? एम्ब्रियो तक। क्योंकि जर्मिनेशन के टाइम पे जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो प्लांट जो सीड की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे उसको किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। कब तक होती है वो? जब तक लीफ नहीं आ जाती। और वो न्यूट्रिएंट वो उस सीड को कहाँ से मिलते हैं? एंडोस्पर्म से। और उनको एम्ब्रियो तक कौन लेके आता है? स्पोटेलम। मेज, मेज का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? जी मेज। और मेज के लिए डिफरेंट स्टेजेस पे क्या चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जैसे एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, एट द टाइम ऑफ टिलरिंग, फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द मिल्किंग स्टेज एंड एट द फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। अब जो मेज क्रॉप है उसके जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 26 डिग्री सेल्सियस और ग्रोथ के लिए 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सोरगम। सोरगम क्या है? एक सोर्डे प्लांट है। सोर्डे प्लांट हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका क्रीप मेनली इसका जो कल्टीवेशन होता है सोरगम का वो क्रीप सीजन में किया जाता है, क्रीप टाइम पे किया जाता है, जिस टाइम पे मानसून ऑनसेट होता है। अब सोरडे में क्या है? इसकी फ्लावरिंग बेस्ट होती है। अगर सोरडे की जगह इसकी फ्लावरिंग के टाइम पे हम क्या कर देते हैं? लॉन्ग डे कर देते हैं तो फ्लावरिंग की जगह इसमें क्या स्टार्ट हो जाती है? वेजिटेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट वन दी यंग हेरी कैटरपिलर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ 2% मिथाइल पैराथियोन बाई डस्टिंग एट 25-30 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट वन इज दी लेंटिल। लेंटिल क्या है? एक लेग्यूम क्रॉप है और लेग्यूम क्रॉप क्या करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। और जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा होती है, कॉन्टेंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सीरियल क्रॉप्स। तो लेंटिल में कितना परसेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है? वो है 25%। नेक्स्ट है फॉर द रेजिंग ऑफ सीडलिंग
ऑफ राइस हम नर्सरी क्या करते हैं, रेज करते हैं बाय डिफरेंट मेथड से। थ्री मेथड हेयर वी डिफाइन, वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड एंड डेपोक मेथड। इन केस वेट बेड मेथड में हम क्या करते हैं, बाय प्रिपेयरिंग पडलिंग, हम क्या करते हैं पडलिंग करते हैं और फिर वाटर की स्टेग्नेशन करते हैं, और इस वाटर के स्टेग्नेशन से हम क्या करेंगे, वीड को कंट्रोल करेंगे। वेट बेड मेथड हम वहीं फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ड्राई बेड मेथड है उसको हम उसी एरिया में यूज करेंगे जहाँ पे स्केंटी वाटर है। ओके, जहाँ पे क्या है, स्केंटी वाटर है। लेकिन ड्राई बेड मेथड के एक मेन ड्रॉबैक क्या है कि इसमें जो वीड की पॉपुलेशन है वो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो डेपोक मेथड है वो मेनली हम कहाँ यूज करते हैं, डेपोक मेथड में तो जो सीडलिंग है वो क्या, ओनली 11 टू 14 डेज की सीडलिंग ही हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो डेपोक मेथड में हम बनाना की जो लीव हैं उनका ही जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। कर्नल, कर्नल को हम क्या बोलते हैं, सीड। और सीड के डिफरेंट पार्ट हैं, फर्स्ट है सीड कोट, उसके अंदर है एम्ब्रियो, फिर उसके अंदर है एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में डिफरेंट सब पार्ट होते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं वो, रेडिकल, ल्यूमूल एंड स्क्यूटेलम। और स्टार्ची जो एंडोस्पर्म है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जितने भी प्लांट ने फोटोसिंथेट्स सिंथेसाइज किए हैं वो सारे ऑर्गेनिक फॉर्म में स्टार्ची एंडोस्पर्म में स्टोर हो जाते हैं, और वो फिर प्लांट की ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जो ब्रान है, ब्रान के भी सब पार्ट हैं, डिफरेंट लेयर हैं, वो है पेरिकार्प, टेस्टा, न्यूसेलस एंड एल्यूरोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट एंड बार्ले इज कॉल्ड द स्पाइकलेट। अगर हम देखो, हम डिफरेंट मेथड से क्रॉप की क्या सीड रेट है डिफरेंट क्रॉप का, उसकी डिफरेंट मेथड से सोइंग करते हैं। जैसे कोई डायरेक्ट सोइंग करता है, कोई सीड ड्रिल से सोइंग करता है, कोई ट्रांसप्लांटिंग करता है, कोई ब्रॉडकास्टिंग करता है, तो ऐसे ही पर्ल मिलेट की भी हम डिफरेंट मेथड से सोइंग करते हैं। अगर हम सीड ड्रिल से सोइंग करते हैं तो उसमें 4 to 5 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग की प्रॉब्लम मेन तब आती है जब फार्मर के पास फील्ड प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं होता, तो फार्मर कुछ एरिया सिलेक्ट करके उसमें सीड की सोइंग कर देता है और नर्सरी रेज कर देता है। आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग फार्मर क्या करेगा, उनको इरेडिकेट करके दूसरे फील्ड में उनको क्या करेगा, ट्रांसप्लांट करेगा। तो ऐसे जो डैमेज्ड हैं या फिर वीक सीडलिंग है उनको सेपरेट कर देंगे, और जो हेल्दी सीडलिंग है उनको हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। और ऐसे क्या होगा, जो पॉपुलेशन है पर हेक्टेयर एंड पर एकड़ वो भी क्या रहती है, ऑप्टिमम रहती है। तो ट्रांसप्लांटिंग के केस में जो सीड रेट है वो 4 to 5 kg पर हेक्टेयर से कितना आ जाता है, 2 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिजन पी, पिजन पी आल्सो ए लेग्यूम क्रॉप, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैजिनस कैजन। नेक्स्ट है काउपी, काउपी भी क्या है, एक लेग्यूम क्रॉप है, इसलिए इसकी जो फैमिली है वो क्या है, लेग्यूमिनेशी है, और इसकी फैमिली दूसरी क्या है, पेपलियोनेशी। मतलब लेग्यूमिनेशी बोलो या पेपलियोनेशी बोलो, बात सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट क्या है, एक ऑयल सीड क्रॉप भी है और एक पल्स क्रॉप भी है। ये अगर पल्स क्रॉप है तो इसकी जो फैमिली है वो क्या होनी चाहिए, लेग्यूमिनेशियस फैमिली होनी चाहिए। और इसकी जो नट्स होते हैं उनमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कितना परसेंट ऑयल होता है, 45%। और ये लेग्यूम क्रॉप है तो ये क्या करती है, नाइट्रोजन भी फिक्स करती है, तो इसमें ऑटोमेटिकली प्रोटीन कंटेंट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसका प्रोटीन कंटेंट कितना है, 26%। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एराइजिस हाइपोजिया। नेक्स्ट है ससेमम, ससेमम इंडिकम, ससेमम भी एक क्या है, ऑयल सीड क्रॉप है। जैसे ही हम क्या करेंगे, सीड हार्वेस्ट करते हैं, क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, तो सीड का हम क्या करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो लेफ्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है, और उसको हम बोलते हैं केक।
और केक को हम दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एज ए एनिमल फीड और दूसरा कौन सा हो सकता है, एज ए क्रो मेन्योर, क्योंकि इनमें क्या होता है कि हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपके सामने है, जैसे नाइट्रोजन है 6 to 6.2%, फॉस्फोरस है 2 to 2.2% एंड पोटास कितना है 1 to 1.2%। नेक्स्ट है कैस्टर क्रॉप। कैस्टर का साइंटिफिक नेम क्या है, रिसिनस क्यूमिनस। रिसिनस क्यूमिनस जो क्रॉप है इसका हम क्या करते हैं, आफ्टर एक्सट्रैक्शन केक बना लेते हैं, और केक को हम क्या करते हैं, एज ए मैन्योर यूज करते हैं, और इसका मैन्योर क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको हम एज ए एनिमल फीड इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इसमें रेसिन नाम का एक पॉइजन प्रेजेंट होता है जो एनिमल की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट सेफ फ्लावर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, कार्थेमस टिंटोरियस, और ये क्या है, एक ऑयल सीड क्रॉप है, और ये कितनी बेनिफिशियल है, जितना सनफ्लावर का ऑयल बेनिफिशियल है। ये बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हार्ट पेशेंट, जो हार्ट पेशेंट हैं लोग हैं उनके लिए यूज होता है। और ये क्यों यूज होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिनोलेइक एसिड, और वो कितना है 78%। नेक्स्ट है फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड फार्मर अप्लाई एट डिफरेंट स्टेजेस हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। वो डिफरेंट स्टेजेस कौन सी हैं, एक है प्री प्लांट, प्री एमर्जेंस एंड पोस्ट एमर्जेंस। प्री प्लांट जो हम हर्बिसाइड यूज करते हैं वो क्या है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, और वो चाहे क्रॉप है या वीड है सबको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। अब जैसे ही प्री प्लांट हर्बिसाइड हम अप्लाई करेंगे बिफोर द प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप, बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप, इज कॉल्ड प्री प्लांट। प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड वही होते हैं जिन हर्बिसाइड को हम एमरजेंसी पहले यूज करते हैं, क्रॉप की एमरजेंसी पहले यूज करते हैं। और जो पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं वो सिलेक्टिव टाइप के हर्बिसाइड्स होते हैं, उनको आफ्टर क्रॉप एमरजेंस एंड आफ्टर वीड एमरजेंस में ही यूज करते हैं। जैसे बेसेलिन, बेसेलिन का अदर नेम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, फ्लू क्लोरेलिन, और इसको कितनी डोज में हम अप्लाई करते हैं, 1 kg पर हेक्टेयर अप्लाई करते हैं, 1000 liter वाटर में इसको हम मिक्स करते हैं, और एज ए प्री प्लांट इसको हम यूज करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और मेरे को कमेंट लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं अलग से एक्सप्लेनेशन की वीडियो डाल दूँगी। थैंक यू वेरी मच।